फाइनली दोस्तों हमारी फैमिली में एक और डिवाइस यहाँ पर जुड़ चुका है, M21। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी डिवाइस के बारे में बात करेंगे, इसी के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। हालांकि आप इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे, लेकिन मैं इसका इस टाइम पर वीडियो क्यों लेके आया और ये इस टाइम पर वर्थ ही क्यों है, आइए इसी वीडियो के अंदर जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर वीडियो को लाइक भी जरूर से कर लेना। तो आज जिस डिवाइस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है। क्यों और कैसे? क्योंकि दोस्तों ये फ्लिपकार्ट सेल में आपको काफ़ी सस्ते दाम में मिल रहा है। ऑल ओवर इसकी जो प्राइस है यहाँ पर 12-13 हज़ार के आसपास चलती है, लेकिन ये आपको 10 हज़ार के अराउंड में जो है ऑफर में लगा के आपको देखने को मिल जाएगा इसी सेल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी कुछ इसी तरीके से इसको परचेज किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसके अंदर जो मेन प्राइमरी कैमरा जो आपको देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है और इसके अंदर जो मेन प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिल जाता है वो है 48 मेगापिक्सल का, और इसी के साथ एक यहाँ पर अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है और एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कैमरे के अंदर, लेकिन फिर भी ये खास बनाता है क्योंकि इसके अंदर जो आप डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है पूरे डिवाइस के अंदर। डेली बेसिस की बात की जाए दोस्तों, मेरे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पर, चाहे वो व्हाट्सएप चलाना हो, चाहे टेलीग्राम चलाना हो, चाहे यूट्यूब चलाना हो। एक 6000 mAh की बैटरी भी इसके अंदर लगी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ये आपके लिए यूजफुल हो जाता है डिवाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे अच्छी मुझे इसके अंदर एक और चीज़ लगी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे पता नहीं इससे पहले कोई अपग्रेड आया कि नहीं आया, लेकिन जब मेरे पास ये आउट ऑफ द बॉक्स आया तो अपडेटेड था 2.1 में, आई गेस यहाँ पर 2.0 था, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर हमको ऑलरेडी अपडेट करके दिया डिवाइस, तो मुझे यहाँ पर 2.0 के अंदर, सॉरी 2.1 UI के अंदर हमको देखने को मिला था ऑलरेडी डिवाइस। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है और क्लीन लुक आपको पता ही है 1 UI का होता है। हालांकि ये जो थोड़े आइकन से थोड़े अजीब से लगते हैं, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे जो आप थीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कुछ और थीम लगा सकते हैं और वो भी फ्री में विदाउट सैमसंग के थीम को यूज़ करें। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियोज़ में बताई है लाइक सैमसंग से रिलेटेड। सैमसंग M30S भी मेरे पास है, जैसे कि आप सभी को पता है, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे फीचर्स के बारे में बात करी थी, जहाँ पर जैसे कि इसके डीप लोडिंग हो गई, यहाँ पर जो फालतू के ऐप हो गए बहुत सारे सैमसंग के, उसको कैसे अनइंस्टॉल किया जाए, कैसे डिलीट किया जाए अपनी डिवाइस से। तो यार अब जो है हमारे पास एक और डिवाइस आ चुका है यहाँ से, जो है अपना M21। तो इसके अंदर भी हम कुछ बात कर लेते हैं, मुझे क्या कुछ यहाँ पर अलग लगा। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ ना वाईफाई की, तो वाईफाई में मेरे को यहाँ पर सिग्नल थोड़े से यहाँ पर वीक दिखाई देते हैं दोस्तों। हर बारी जब मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ तो मेरे बाकी सारे डिवाइसेस के जो सिग्नल है वो बराबर से आते हैं और फुल्ली आते हैं, लेकिन इसमें एक डंडी जो है कम हो जाती है वाईफाई की। आई डोंट नो, ये इस डिवाइस के साथ ही है और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर टेम्पर्ड चढ़ा लिया है, जिसके आप देख सकते हो। तो ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था कुछ 100-150 रुपये का, तो आपको भी मिल जाएगा ईजिली। चलते फाइनली यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग नहीं देखने को मिलता है 2.1 के अंदर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है साउंड की जो सारी चीज़ें हैं साउंड से रिलेटेड। और मैं क्या बताऊँ यार इस डिवाइस के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, मुझे पता है कि आपको पता होगा, और साथ ही मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर करीबन 4-5 महीने 5-6 महीने तो हो चुके हैं डिवाइस को रिलीज़ हुए, तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन आप में से ज़्यादा रखते नहीं होंगे, इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ मेन फीचर्स के बारे में हाईलाइट कर देता हूँ कि इस टाइम पर ये जो डिवाइस है उसको यहाँ पर लेना सही भी रहेगा या नहीं। हालाँकि मेरे यूज़ मतलब मैं ऑलरेडी इसको 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने फाइनली सोचा कि एक रिव्यू वीडियो दे देता हूँ कि मेरे क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेना भी चाहिए कि नहीं। तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो, अभी भी जिस प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है 10K के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा डिवाइस रहेगा दोस्तों आपके लिए, काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाती है यहाँ पर दोस्तों ये। साथ ही में अगर इसकी बात करें तो M30S से अगर कुछ एक अपग्रेड इसको कह सकते हो, तो इसके अंदर आपको जो है 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट में उसके अंदर 16 था, इसके अंदर 21 है, और बेसिकली इसको कोई लेने का कोई खास कारण नहीं था, बस घर के लिए एक ज़रूरत और चाहिए थी और साथ ही में आप लोग तक कुछ नया कंटेंट भी पहुँच पाता, तो मैंने सोचा क्यों ना इस डिवाइस को परचेज कर लिया जाए। हालांकि अभी माइक्रोमैक्स का भी आने वाला है, तो हो सकता है शायद उसकी तरफ भी हम जाएं, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और तो इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी बाकी सारी चीज़ें लाइक थीम और वॉलपेपर जैसी होती चीज़ें, तो देखने को आपको मिल जाती है यहाँ पर, आपको ही थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाता है 2.1 के अंदर। 2.0 में ऐसा नहीं देखने को मिलता हमें डार्क मोड का, तो ये यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ देखने को मिल जाती है, लाइक आप देख सकते हो रिड्यूस एनिमेशन, यहाँ पर मोशन के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जेस्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं सारे। तो ये हो गया एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दी कि डिवाइस को आपको लेना चाहिए कि नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेटेस्ट जो इसका अपडेट यही है यहाँ पर, अगर अभी तक
इस वीडियो से पहले, अगर अब आ गया होगा तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। और भाई साहब ये कबाड़ी वाले भी यार कसम से, अरे वाह दोस्तों आपने देखा कि यार मैं सोच ही रहा था कि अपडेट और यार ये अपडेट आ गया सच में। भाई क्या हो गया ये मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है दोस्तों मेरे साथ, सच बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई अपडेट आने वाला है और लास्ट टाइम जब मैंने इसको चेक किया था कोई नया अपडेट नहीं आया था दोस्तों। तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, फिलहाल इसको डाउनलोड होने देते हैं। अभी बात कर लेते कि क्या कुछ आपको और देखने को मिलेगा इस डिवाइस के अंदर। और वीडियो बनाते बनाते ही आ गया है तो देख ही लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर नया देखने को मिलता है। स्प्लिट कीबोर्ड सपोर्ट हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ और देखने को मिलती है चीज़ें जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे मैसेज के अंदर। और कैमरा के अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी इम्प्रूव कर दी गई है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यहाँ पर कुछ नए फीचर्स और देखने को मिलते हैं। बाकी यार अपडेट काफ़ी बड़ा है, 650 MB के आसपास का अपडेट है और 1 अक्टूबर के इसके साथ आपको सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है इस अपडेट के अंदर। अगर आपको भी नहीं पता था कि यार आपका अपडेट आ गया तो जाके फटाफट से चेकआउट कर लो। अगेन मुझे भी नहीं पता था कि अभी जस्ट वीडियो बनाते बनाते मुझे पता चला है, 2-4 दिन तो हुई है डिवाइस को लिए हुए। चलते हैं वो बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यार आपको डिस्प्ले के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, डिस्प्ले के अंदर आपको लाइट डार्क यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर ब्लू लाइट फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर फॉन्ट साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो, होम स्क्रीन के अंदर भी आप कुछ सेटिंग्स आप पा सकते हो बहुत ही इजीली। आप देख सकते हो यहाँ पर होम के आइकन वगैरह को भी आप सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर होम के आइकन को छोटा बड़ा करने का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल जाता। नेविगेशन की बात करते हैं, नेविगेशन के अंदर भी यहाँ पर आपको चीज़ें कुछ देखने को मिल जाती है। तो नेविगेशन बार आप यहाँ पर फुल यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपको जेस्टर और कीबोर्ड वगैरह के जो बटन को भी हाइड करने का ऑप्शन मिलता है, मैं कंप्लीटली हाइड करके रखता हूँ। आपको किस तरीके से पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही में आपको चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ओडी डिस्प्ले वाला जो आता है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको लगातार जलती रहती है और चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो चाहिए तो वो कर सकते हो ऑन यहाँ से और उसको यहीं से ही ऑफ भी आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वॉलपेपर का यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लाखों वॉलपेपर यहाँ से जो डाउनलोड कर सकते हो, गैलरी का भी लगाना है तो वो भी लगा सकते हो और डार्क मोड के हिसाब से अपने आप सेट करना है तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की दोस्तों, तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन भी आपको देखने को मिलती है, लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर फेस अनलॉक और साथ ही में यहाँ पर अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो मैंने अभी तक लगाया नहीं और एक्चुअली मेरे को यहाँ पर शौक नहीं है ज़्यादा फिंगरप्रिंट वगैरह यूज़ करने का, तो मैं एक बार आपको जरूर से यहाँ पर लगा के जरूर से दिखा दूंगा। मतलब जिस टाइम पे मैंने सेटअप किया था उस टाइम पे मैंने फेस ही लगा लिया था, उसके बाद जरूरत पड़ी भी नहीं। टेस्टिंग चल रही है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक टेस्ट होता ही रहेगा। अभी तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए तो देख रहे हैं काफ़ी स्लो सा लग रहा है मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल फिंगरप्रिंट। मैं एक बारी और दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा स्लो यहाँ पर प्रतीत होता हुआ हमें फिंगरप्रिंट। बाकी इसकी जो हम बात करेंगे भाई, ये हमारा डाउनलोड भी हो गया है तो इसको बाद में अभी डाउनलोड कर तो हो गया है, बाद में इंस्टॉल करेंगे और आपको सारे फीचर्स के बारे में हम बताएंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डिवाइस वॉलपेपर यहाँ पर बात कर ली हमने ऑलरेडी, वॉलपेपर सर्विस आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो ग्लैंस वाली और सैमसंग ग्लोबल गोल्स और डायनेमिक वाली, पता नहीं बहुत सारे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं हमें। साथ ही में यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर अबाउट लॉक स्क्रीन, यहाँ पर कोई अपडेट है लॉक स्क्रीन का भी आ गया, तो हमारी कॉल भी यहाँ पर आते हुए कॉल को साइड में करते हुए और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया अपना यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी लगा के काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और फास्ट होने की ज़रूरत है फिंगरप्रिंट को। बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर हमको देखने को मिल जाती है सारी चीज़ें, यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन, यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी आप चेंज कर सकते हो अपना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बेसिकली देखने को मिलती है। और सिक्योरिटी पैचेस भी यहाँ पर जो है आपको जो है सितंबर को देखने को मिलते हैं। बाकी नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ साइड की का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से आप जो है यहाँ पर क्विक लॉन्च कर सकते हो अपना कैमरा या ओपन कर सकते हो किसी भी ऐप को। हालांकि मैं इसका इतना यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप यहाँ पर बताइएगा आपको पसंद है कि नहीं डबल टैप करके कुछ भी यूज़ करना। तो यहाँ पर इसके अलावा आपको डायरेक्ट शेयरिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये बैटरी चूसता है तो मेरे हिसाब से आपको इसको ऑफ रखना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। यहाँ पर रिड्यूस एनिमेशन का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आप इसका यूज़ कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गेम लॉन्चर की भी यहाँ पर बहुत सारे कम लोगों को जरूरत पड़ती है, मुझे तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको पड़ती है तो जरूर बताइए, क्योंकि एक ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है दोस्तों, गेमिंग प्रोसेसर एक अलग होती है चीज़, लेकिन ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए बनाया गया प्रोसेसर है जिसको अपने सैमसंग ने जो है काफ़ी डिवाइसेस के अंदर यूज़ किया है। आई होप आप जानते होंगे इस बारे में कि बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर इसको यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा प्यार है सैमसंग को इस वाले प्रोसेसर से। तो इसमें डुअल मैसेंजर का भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ
पर आप जो है किसी के भी क्लोन वगैरह बना सकते हो। बहुत सारे ऐप्स के नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी चैटिंग ऐप्स होते हैं उन सबके होते हैं। बाकी बात करें उसके अंदर ब्लॉटवेयर, मेरे को जो अभी तक जो है पहले से इसके अंदर देखने को मिल गए थे काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर जिसके आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये सारे जो है मैंने खुद से इंस्टॉल नहीं किए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरी रो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये मैंने एक भी इसके अंदर से इंस्टॉल नहीं किया, ये सारे अपने आप इंस्टॉल हो गए जब ये फ़ोन ऑन हुआ। हालांकि मैंने सब कुछ यहाँ पर डिसेबल भी किया था, मैंने यहाँ पर अनटिक भी किया था बहुत सारे ऐप्स को, उसके बावजूद भी ये सैमसंग जो है भाई ज़बरदस्ती हमारे फ़ोन के अंदर घुसेड़ देता है सारे ऐप्स। तो बस ये एक छोटा सा अपडेट था यहाँ पर कि मेरे पास डिवाइस है, तो अब आपको यहाँ पर कोई चिंता नहीं, यहाँ पर सारे अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे इसी डिवाइस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर से लाइक कर लो, कमेंट करके जरूर बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे कब, बाय।